भारतीय सिनेमा के जनक श्री दादा साहेब फाल्के जी की 15 फुट की विशाल प्रतिमा मुंबई के बांद्रा पश्चिम स्थित महबूब स्टूडियो के बाहर लगाई जाएगी। इसके लिए पहल किया है दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड फिल्म्स ऑर्गेनाइजेशन ने। इस कार्य के लिए देश के केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला, उत्तर मुंबई के सांसद गोपाल शेट्टी और FWIC के प्रेसिडेंट BN तिवारी तथा ट्रेजरार गगेश्वर लाल श्रीवास्तव आदि भी सामने आए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप दादा साहेब फाल्के की विशाल प्रतिमा महबूब स्टूडियो के बाहर पहली बार देखने को मिलेगी। नहीं, इसमें मैं और आशीष सेलार जी मिलकर मुंबई महानगर पालिका सरकार का के पास से इसके परमिशंस के बहुत प्रॉब्लम होते हैं। पैसा तो ये फिल्म इंडस्ट्री के लोग खड़े कर देंगे, पैसा इज नॉट ए सब्जेक्ट। इसका परमिशन के लिए बहुत परेशानी उठानी पड़ती है, तो वो सारा काम मैं करूँगा और उसके आगे भी जो भी आदेश मुझे देंगे वो हम करेंगे। और इसमें हम कोई सारे लोगों को जोड़ेंगे साथ में, और ये सबका सब्जेक्ट है, कोई एक पर्सन या एक पार्टी का ये विषय नहीं। ये पार्टी तो उसमें है ही नहीं। वैसे बांद्रा में आशीष सेलार को इसलिए जोड़ रहे हैं कि वहाँ के वो MLA है और मेरा इसमें थोड़ा एक्सपीरियंस, इसलिए मैं जुड़ जाऊँगा। आने वाले दिनों में जो भी इसमें जुड़ना चाहेंगे उसको हम लोग जोड़ेंगे, और अगर कोई नए भी जुड़ना चाहे तो हम पकड़ के लाकर उनको साथ में लेकर आगे चलेंगे। जी हाँ, किसने पहल नहीं उठाई पहले, तो ये पहल उठा रहे हैं, ये कितनी बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है, जाना का हम सब लोगों ने मिलकर अभिनंदन करना चाहिए, क्योंकि ये हर साल कलाकारों को सम्मान करने का भी कार्यक्रम करते हैं, और मैं कई बार गया हूँ इनके कार्यक्रम में, और मुझे लगता है कि अभी ये फैमिली मेम्बर मैं बन गया हूँ इनका, अभी तो हर साल जाना पड़ेगा। ये विषय ऐसा है कि फिल्म इंडस्ट्री में आप सबको, हम सबको पता है कि एक बार एक्टर बन जाता है तो बहुत बड़ा एक्टर हो जाता है, फिर उसमें फिर उनको समय मिलता नहीं है, और ये थोड़ा सब्जेक्ट हटकर है, इसलिए बहुत जल्दी भी किसी के दिमाग में आना इतना आसान नहीं है। और कभी कभी हम कहते हैं कि हर काम भगवान ने हर व्यक्ति के नाम पर लिखा है, मैं मानता हूँ कि जाना के नसीब में काम लिखा हुआ था तो ये उसको मिला है, लेकिन हम सब लोग मिलकर करेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फेडरेशन जो है अपना सौभाग्य मानती है, देखिए पहल तो हमको करना चाहिए था मगर हमारे तरफ से पहल नहीं हो पाया था। कल्याण जी जाना ने जब ये रिक्वेस्ट किया कि मैं करना चाहता हूँ और मैं इस तरीके से मेरा प्लान है, तो शुरू में तो लगता है कि आदमी क्या सोच रहा है, मगर आज लगता है कि विषय इतना बड़ा हो चुका है, जिस आदमी की वजह से फिल्म इंडस्ट्री हिंदुस्तान की पहचान बनी है, उस दादा साहब फाल्के को हम गुला से गए थे, उनको मतलब कि हमने हाशिए पर रख दिया था। हम भी काम कर रहे हैं, दादा साहब फाल्के हाउसिंग सोसाइटी बना रहे हैं 10,000 लोगों के लिए, सरकार ने मंजूर किया है, 10,000 घर बन रहा है सर सेलू में, और अपने वर्करों के लिए हमने 50,000 के लिए दिया था लेटर अपना वहाँ पर दिल्ली में, हमें 10,000 अभी मंजूर हुआ है। हमने 253 एकड़ ज़मीन लेकर रखी है और लोगों को घर सस्ते रेट में दे रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। सरकार आपकी मदद करना चाहती है मगर आप आगे नहीं बढ़ते हैं, तो उसमें आपकी गलती है, सरकार की गलती तो नहीं है। सरकार तक पहल करेंगे, जैसे अभी सेठी साहब ने बताया कि इसको हम आशीष सेलार जी को जोड़ेंगे, उनको जोड़ेंगे, पुरुषोत्तम रूपाला जी हैं इसमें, हम तो चाहेंगे कि जिस दिन उद्घाटन हो उस दिन मुख्यमंत्री जी खुद आए, क्योंकि ये महाराष्ट्र का विषय है, एक मराठी आदमी ने पूरे हिंदुस्तान को पहचान दी है, तो हम लोगों के सबके लिए गौरव का विषय है, और फिल्म इंडस्ट्री के लिए तो जनक हैं हमारे, तो हम बड़ा सौभाग्य मानते हैं इस मामले में कि फेडरेशन इसमें इन्वॉल्व है। कल्याण जी जाना को सारी क्रेडिट जाती है, क्योंकि गोपाल जी को जोड़ना, हमको जोड़ना, उनको जोड़ना, आप सबको इकट्ठा करना एक बड़ा काम है। ये इसमें बिजनेस नहीं है कि इसमें कुछ मिलने वाला उनको है, मगर इतने लॉन्ग टाइम तक उनको इसका फायदा मिलेगा कि हर आदमी दादा साहब फाल्के को देखेगा तो ये जरूर सोचेगा कि इसको बनवाया किसने, किसने प्लान किया है वो कल्याण जी जाना। नहीं, हमारे संबंध बहुत ठीक ठाक है। जैसे घर में से दो भाई अलग होते हैं तो कोई जिंदगी भर के लिए नाता टूटता नहीं है, इसलिए हमारे संबंध
पॉलिटिकली भले थोड़ी दूरी हुई है, लेकिन मन का जो नाता है और जो हिंदुत्व की नाड़ है वो तो कभी टूटने वाली नहीं है, वो तो मौत के साथ में ही जाने वाली है। और ये सब्जेक्ट में इतना दम है, मैं आपको मानता हूँ कि देखो ये उत्तर प्रदेश है, श्रीवास्तव जी उत्तर प्रदेश है, मैं दक्षिण भारतीय हूँ, जाना कल्याण जी जाना कोलकाता से है, रूपाला जी गुजरात के है, और जिस जगह पे हम आज यहाँ पर बैठे हैं, मैं छत्रपति शिवाजी महाराज को सामने देखता हूँ। मैं मानता हूँ कि दादा साहब फाल्के जी का ये पुतला लगाने का कार्यक्रम मुंबई शहर के सभी भाषिकों को एक साथ में लाने का काम करेगा, इसमें इतनी बड़ी ताकत है। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ इसका कोई मुद्दा बनेगा करके, क्योंकि ये ऐसा हम सब लोगों ने इस बात को मान लेना पड़ेगा कि हम लोग देरी कर चुके हैं इसमें कोई मुद्दा बनाने की आवश्यकता नहीं। इसलिए मैंने कहा ना कि इसमें कोई हम मुद्दा बनने ही नहीं देंगे। फॉर एग्जांपल दादा साहब फाल्के जी अगर महाराष्ट्र के, तो हम इसका अध्यक्ष कोई एक महाराष्ट्रन आदमी को ही बनाएंगे आने वाले दिनों में। इसलिए मैंने अभी आशीष सरा को फ़ोन किया, कोई वो मीटिंग में है वो मेरी बात हो ही नहीं पाई, क्योंकि हम बैंड्रा में पुतला लगा रहे तो उनको उसकी जानकारी होनी चाहिए। इसलिए जो समिति हम एक बनाएंगे उसका अध्यक्ष हम मुंबई शहर के कोई मराठी व्यक्ति को बनाएंगे। इन्होंने जो भी पहल किया है बहुत ही अच्छा किया है, ये भी हमारे फेडरेशन के ही पार्ट हैं, कहीं बाहर के नहीं हैं, इसलिए फेडरेशन भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है, और जितनी हो सकती है हमारी पूरी फेडरेशन पूरी 32 एसोसिएशन इनके साथ खड़ी रहेगी।